अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ तो आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू। आज के व्लॉग में सिर्फ इतना है कि मैंने क्या करना है, बाल कटवाने हैं। ये इतने बड़े बड़े जो हो गए, मेरा बिल्कुल मूड नहीं था बाल कटवाने का। अब्बू कब से फोर्स कर रहे थे, इंतहाई हमेशा ही कहते थे बाल कटवाओ बाल कटवाओ बाल कटवाओ और बाल कटवाओ। इन द एंड फिर मैंने कहा ठीक है, और मैंने दो जगह डॉक्यूमेंट्स जमा कराने थे। उन्होंने बोला पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज चाहिए। मैंने अबू को बताया, अबू कहते हैं बाल कट ऐसे हैं तो मोड़ फोटो सिखाऊनी एडिक कोड़े लगते। मैंने तो मैंने कहा ठीक है, अभी मैं जा रहा हूँ बाल कटवाने। मैं वहाँ जा आपको दिखाऊँगा अपना देसी सैलून कैसा होता है, और कैसे मैं वहाँ से बाल कटवाता हूँ, और कैसे वो लोग बाल काटते हैं। तो चलो चलते हैं। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय गार्ड फिल्टर ऑयल। देखो आपको भाई मशहूर हो गया, लोग स्पॉन्सर करने लग गया। देखो फिर अच्छा मजाक कर रहा हूँ, ये इमाम बाय अड्डे पे फ्री मिल रही थी, मैंने वहाँ से लेके आया। चलो चलते हैं। तो यार सीन कुछ ऐसे बने हैं कि मैं सुबह गया हूँ बाल कटवाने, नाई था नहीं, तो मैं आगे चला गया। फिर बोलूँगा बोलूँ घर जाने के बाद क्या बना के वो ना, क्या क्या शरीर, कोई सामान वगैरह शॉपिंग वगैरह करनी थी उसकी बार चढ़ी गई, तो वो सारा कुछ रही। अब मेरा बाल देखने ऐसे ये रफ बिल्कुल ख़राब हो गए। तो अबू ने बोला कि कटवाओ मस्त। अब मैं जा रहा हूँ बाल कटवाने, क्या किस टाइम का होता, लेकिन आगे इतने काम पड़ गए थे। तो अभी चलते हैं बाल कटवाने, उससे पहले अपनी बाइक के टायर्स पे थोड़ा स्प्रे मार। दुकान यहाँ से बाल कटवाना है आसानी है, मुझे बाल कटाऊं है जैसे बाल कटाऊं अच्छा। तो अब भी ये एक बंदा बैठा हुआ है, उसके बाद अपनी बारी आएगी। बाकी ये बाहर का व्यू है, कुछ ऐसे हैं कि बैठा हूँ अभी। एक भाई पहले थे, उन्होंने बाल कटवाने थे, उसके बाद मेरी बारी, तो उसके बाद फिर बाल कटवाता हूँ। जो बाल के कोई शॉर्ट्स होंगे सिनेमैटिक शॉर्ट, वो मैं आपको दिखाऊंगा। मैं वहाँ पे बैठा हूँ, ये है मुजम्मिल भाई। भाई मुजम्मिल तारफ दे छुड़ा है अपना, थोड़ा तारफ दे छुड़ा है अपना। तो ये पहले इनके बुझलाते थे ये वाली दुकान, और अब ये भाई हैं काफ़ी, मतलब कि निहंग में, मतलब कि मोस्टली मैं हमेशा नहीं से बाल कटवाता हूँ, इसके अलावा मैं कभी किसी से नहीं कटवा, और अभी बाल कटवाता हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या हालत निकलती है। तो अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ वेट कर रहा हूँ, एक भाई ने पहले बाल कटवाने थे, उसके बाद मेरी अपनी बारी आई। ये है यहाँ का हमाम, और ये इसका डैश। तो इसके बाद ये सीन है कि बाल कटवाने के बाद घर आऊँगा, उसके बाद नहाऊँगा, उसके बाद जाना है अशर की को डेकोरेशन वगैरह करनी थी थोड़ी सी, जिसके लिए आज से बाल गया हुआ था। उसके बाद वहाँ से आके फिर बाकी सारा काम स्टार्ट करेंगे। तो अब बाल कटवाने की बारी आ गई।
मेरी बारी आ गई है बाल कटवाने की। अभी ये पहले के लुक है, देख लो भाई वो, उसके बाद फिर लुक चेंज होगी इंशाल्लाह। अल्लाह भला करे मुजम्मल भाई दा इसे बाल कटने। कटिंग यही नहीं करनी है कि ऐसे हेड तो मशीन वाली फुल मोटी उत्तू बाल कटने डेढ़ सौ तो बाकी आ जाए जी उतली है ना जी ए जाऊँ थोड़ी 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 भारी ढेर पतली ना जी बाबा नंबर हाँ नेट से नेट से चार्ज हो अलगा मोड़ जो बंदे की किस्मत है चाहे वो वेक सी बाकी ओके तो ये है बात के लोग फाइनली मेरे बाल कट चुके हैं, मैं नहा धो के फ्रेश हो चुका हूँ। तो ये है भाई मेरी साफ सुथरी लुक, धोता ध्यान धोता मैं एक जी हाँ। तो बाकी तो यहाँ पे इस व्लॉग होता है एंड, अपना तब तक ख्याल रखिए जब तक मैंने व्लॉग नहीं बनाता। खुदा हाफिज़।